हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए मसालेदार टॉपिक लेके आया हूँ, सेक्स एंड टेस्टोस्टेरोन। हाँ, आपने सही सुना, सेक्स एंड टेस्टोस्टेरोन। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम सेक्सुअल फंक्शन एंड सेक्सुअल डिजायर क्या होता है जान लेते हैं। सेक्सुअल फंक्शन मतलब तुम कितने देर तक सेक्स कर सकते हो। इसमें आता है कि इरेक्शन, दूसरा आता है कि इजैकुलेट, तीसरा आता है कि अमाउंट ऑफ स्पर्म। तो जो लोग 20 से 30 के एज में होते हैं उनको सेक्सुअल फंक्शन में प्रॉब्लम नहीं होता है। सेक्सुअल डिसफंक्शन शुरू होता है 40 के बाद। अगर आप 20 के 30 के एज में हो और आपको सेक्सुअल फंक्शन में प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम कैन बी स्ट्रेस फ्रॉम वर्क, एल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज, हाई लेवल ऑफ बॉडी फैट एंड डिप्रेशन। तो ये सारे प्रॉब्लम फिक्स किया जा सकता है अगर आप अच्छा खाना खाते हो, वर्कआउट करते हो और अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हो। ऑल प्रॉब्लम कैन बी टेकन। अब बात करते हैं सेक्सुअल ड्राइव, मतलब आपको कितना अच्छा लगता है सेक्स करना। लिबिडो और सेक्स ड्राइव, तब आपके बॉडी में फ्लूइड मतलब स्पर्म तब ज्यादा होता है तो आपके सेक्स ड्राइव कम होने लगते हैं। आपकी बॉडी मसल बनाने में और आपको हेल्दी रखने में फोकस करने लगता है। प्रॉब्लम ऑफ टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन। सेकेंड, जब आप कैलोरी डिफिशिएंट फूड खाते हो तो आपके टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन रिड्यूस होने लगता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा जो बॉडी बिल्डर होते हैं उनको सेक्स में इंटरेस्ट नहीं होता है। बेस्ट वे टू टैकल दिस प्रॉब्लम इज ऑलवेज गेट गुड मिक्स ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट, इवन इफ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट। इससे क्या होगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन हमेशा पीक पे रहेगा और ओवरऑल आपके हेल्थ भी अच्छे रहेंगे। थैंक यू।